The taste of victory. आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। मानी चौधरी, आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। जो भी कार्यक्रम होते हैं उनका उद्देश्य होता विश्व युद्ध, विश्व प्रेम, विश्व की एकता, मानवाधिक एकता, धार्मिक एकता, एकता। इन सब में एक संगीत बहुत जोर दिया जाता है। संगीत का इतना महत्व है, म्यूजिक जो है वो एक तरह से आत्मा का भोजन है। ये जब हमें बच्चों बच्चों को भी देखते हैं, जो बच्चे म्यूजिक करते हैं, साथ-साथ गाते हैं, साथ-साथ बोलते हैं, और यही मतलब है कि सारे संसार के यहाँ पर म्यूजिशियंस आकर एक धुन एक गीत जब गाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, तो सामने भावना आती है। हम सब एक हैं, सारे दुनिया के लोग ये सब एक है, एकता के लिए, विश्वता के लिए और विश्व बंधुत्व के लिए ये कार्यक्रम है। और ये सब थोड़ा ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम ये हमारे आदरणीय सोनिया खान और आदरणीय श्री विजय उपाध्याय जी जो उसको कंडक्ट करेंगे, उनके द्वारा ये आयोजित है। हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसके कन्वीनर है श्रीमती उषा पांडे, सीनियर प्रिंसिपल राजा जी वन ब्रांच के, और उस गीता जी का मार्गदर्शन रहता ही है, रोशन जी का इंदौर का मार्गदर्शन, गीता जी द प्रोफेसर लंडन यूनिवर्सिटी और प्रेसिडेंट है ए सी एम एस की। तो ये रोशन गांधी इज द डायरेक्टर स्ट्रेटेजी। तो यहाँ कोई भी काम होता है तो उसकी स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया बनाते हैं। और आप सब पत्रकार बंधु इतनी भारी तैनात में आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप अपने बात को फैलाएं शहर में कि शहर में एक ऐसी चीज हो गई है नया 20 तारीख को, इसको हृदय ईश्वर की जो हमारे स्पीकर है यूपीएसएमडी के, वो इसे इनॉग्रेट कर रहे हैं। और एक बहुत ही बड़ी बात है कि लखनऊ के शहर में इतना बड़ा, मैं समझता हूँ मुझे 60 वर्ष तो मुझे हो गए, लखनऊ में रहते हुए 60 से 62 वर्ष, मैंने तो कभी भी इतना बड़ा प्रोग्राम म्यूजिक का अंतर्राष्ट्रीय कंसर्ट नहीं देखा, कभी भी इतिहास में न देखा न सुना। और आज देखने को भी मिला है, आप सबको सुनने को भी मिलेगा, थोड़ा सा सुनाएंगे भी आप हमारे देश। और 20 तारीख का समायन पर तशरीफ ले करके गोमती नेट टू में, तो वहाँ पूरा कार्यक्रम होगा। अरे ईशा पांडे एंड मिस्टर रोशन, क्योंकि ऐसी चीज कभी नहीं हो पाती अगर वो लोग नहीं होते। मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहती हूँ कि सितंबर लास्ट ईयर में मैं प्रोफेसर गीता गांधी की वजह से करीबन 11:30 बजे का फोन पे बात कर रही थी, और हम लोग क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसे हर नए शहर में हर साल